हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज इस लेक्चर में हम कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने भी वीडियो डाल दिया है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के डाल दिया यूट्यूब पे और आपको डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से बता दिया कि जो आपका एग्जाम 10 जुलाई को होना था वो 24 जुलाई को होगा। तो क्या वाकई में ही अब आपकी तैयारी 24 जुलाई तक हो जाएगी? खुद से पूछिए। कुछ एक चीजें हम डिस्कस करेंगे और शायद एंड में कुछ उसका सोल्यूशन भी निकल जाए। तो क्या आपको लगता है कि जो 10 तारीख तक जिसकी जो तैयारी नहीं हुई थी वो 24 तक हो जाएगी? क्या हो जाएगा इन 14 दिनों में? क्या एक्स्ट्रा आप लोग कर लोगे? तो स्ट्रेटेजी, या तो स्ट्रेटेजी चेंज करो अपनी, या फिर अगर जो पहले पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहोगे तो फिर कैसे होगा? अगर 2 महीनों में नहीं तैयारी हुई तो 14 दिन में कहां से कर लोगे? अब एक और चीज है, क्या वाकई में जो ये मतलब एग्जाम पोस्टपोन होता है इससे आपको फायदा ही हो रहा है? पर जिस बच्चे की तैयारी 10 जुलाई को बहुत अच्छी थी, अब उसकी तैयारी 24 जुलाई को इससे भी अच्छी होगी क्योंकि वो अपना 10 जुलाई से भी बेस्ट एफर्ट्स कर रहा है। आपकी तैयारी 10 जुलाई को भी नहीं थी तो अब कहां से हो जाएगी जब तक आप लोग जो है स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करोगे? एक चीज ठीक है। दूसरी चीज, सरकारें क्या ये पोस्टपोन करती रहती है? पोस्टपोन करके क्या करती है? वो आपको बहका रही है। अब यहां पर आपको पता है जो पोस्ट 2021 में इन्होंने निकाली थी अब वही लटक रही है यहां तक। अगर ये भर्ती 2021 तक पूरी हो जाती तो 2022 में आप लोग जो है नई वैकेंसी डिमांड कर रहे थे कि सर अभी जो है दोबारा से वैकेंसी निकालो, अभी HCS के लिए भर्ती निकालो। तो ये वही लटकाती जाएगी। अब शायद देख लेना थोड़े दिन बाद 24 जुलाई से पहले एक और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि ठीक है अब ये एग्जाम जो है अगस्त में नहीं, अब ये जुलाई में नहीं होगा क्योंकि हमारा जो पूरा स्टाफ है वो अगस्त में जो अभी पंचायत इलेक्शंस होने हैं उसकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो अभी आपका एग्जाम नहीं हो सकता, अभी एग्जाम आपका अगस्त या सितंबर में होगा। तो मतलब जो एग्जाम लास्ट 12 सितंबर को हुआ था वो अभी फिर सितंबर मंथ में चला जाएगा। तो इससे क्या वाकई में आपको जॉब मिल जाएगी? क्या वाकई में जो आप पढ़ रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे वो सही हो जाएगा? तो ये सोचने वाली चीजें हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको टाइम मिला है, आप उसका यूटिलाइज कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको टाइम मिला है, अब हम मान के चलते हैं कि हमें जो है 14 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, 14 दिन एक्स्ट्रा मिले, तो इन 14 दिन में आप लोगों ने 14 डेज छोड़िए, आज जो है 21 तारीख है जब ये नोटिफिकेशन आया है और आपके पास नियर अबाउट 1 मंथ 30 दिन है, तो इन 30 दिनों को ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि हाँ आपको जो है अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए आपकी। देखिए हमारा 60 डेज प्रोग्राम चल रहा है, उसमें मैं आपको डे 1 से जो है चीजें बताता रहा हूँ कि इकोनॉमी का ये चैप्टर कर लो जाके, पॉलिटी का ये चैप्टर पढ़ो जाके, ज्योग्राफी का ये चैप्टर पढ़ो जाके, मैं आपको एक एक चीज करवा रहा हूँ 60 डेज प्रोग्राम में। काफी बच्चों ने वो फॉलो किया है, काफी बच्चों ने वो फॉलो नहीं किया, तो अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री वीडियोज है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फ्री वीडियोज है, करंट अफेयर वहां पर आपको कवरेज मिल रही है, साथ में बताया जा रहा है कि डेली डेली क्या पढ़ना है। दिन में एक मॉर्निंग में देखो वीडियो, एक इवनिंग में देखो वीडियो, दो वीडियो से 60 दिन में आपकी अच्छे से सारी चीजें कवर करवा देंगे। इसके अलावा आप लोगों ने अभी तक जो है रिवीजन नहीं की तो नोट्स ले लीजिए रिवीजन के लिए, करंट अफेयर की PDF अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज बच्चों एक्यूरेसी के लिए आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी एक्यूरेसी, अदरवाइज आप लोग क्या वहां पर टिक करके आ जाएंगे और आपने क्या किया क्वेश्चन गलत हो गए जी, नेगेटिव मार्किंग, कट ऑफ से बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। बच्चों टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन बैंक। अब बच्चों के माइंड में आता है कि सर क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज में क्या बेस्ट है? बच्चों जो टेस्ट सीरीज है वो आपको इवेल्युएट करने के लिए, क्वेश्चन बैंक ये है कि आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद आपने उससे सारे MCQs कर लिए, जो भी चैप्टर से संबंधित थे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, मतलब आपने चैप्टर को जैसे आपने चैप्टर पढ़ा आपने इस तरह से चैप्टर पढ़ लिया, अब ये गैप बच गया, आप MCQs कर रहे हो तो ये गैप भी सारा फिल हो जाएगा, मतलब जो चीज आप चैप्टर में समझ नहीं है वो MCQ से आपको समझ आ गई, वो याद रह गई। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपके एग्जाम को एक स्टेप आगे की तरफ ले जाएंगी। तो आपको 30 दिन मिले हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज करो। आप 9896160956 ये हमारे फोन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है पता कर सकते हैं सारी डिटेल सारी चीजों के बारे में। अगर आपको इसकी जो है सैंपल चाहिए तो आपको सैंपल भेज दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज के, करंट अफेयर के, नोट्स के और क्वेश्चन बैंक के। अगर आपको सैंपल देखनी हो तो आप लोग सैंपल भी देख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमारे फोन नंबर है 9896160956 और आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हैं। अभी आपके पास 30 दिन का टाइम है तो इनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। स्टडी मास्टर एक ऐसा चैनल है जो आपको हर टाइम आपकी सक्सेस के लिए काम कर रहा है। आप हमारे चैनल पर आकर वीडियोस देखिए, फ्री वीडियोस देख लीजिए 3 दिन, आपको खुद ब खुद लगेगा कि ठीक है आपकी नॉलेज में बहुत एनहांसमेंट हो गई है। इकोनॉमी के सारे लेक्चर्स थे जो मैंने फ्री में करवाए हैं, अभी बहुत जल्द मैं आपके लिए पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि पहले टाइम नहीं था, अभी आप टाइम है, मैं अभी बहुत जल्द आपके लिए पॉलिटी फ्री में स्टार्ट करूंगा और सारे लेक्चर पॉलिटी के फ्री में कवर करवाऊंगा आपको। और इसके अलावा आप क्या चाहते हो हमसे वो भी बता दीजिए, वो भी शुरू करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो डेली लेक्चर्स आ रहे हैं और स्टडी मटेरियल के लिए हमारे फोन नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना और चैनल पर आकर बहुत सारी वीडियोस देख लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।